Assalamu alaikum. Today I will tell you how to take measurement of your shirt. वो किसी भी सही नाप की कमीज से आपने जो है वो तीन चार नाप लेने हैं कमीज के. सबसे पहले जो है वो आपके शोल्डर्स आ जाते हैं कि शोल्डर्स कितना है शोल्डर. उसके बाद आपका चेस्ट है, सिलाई से सिलाई, सिलाई से सिलाई चेस्ट हो गया. उसके बाद आपका वेस्ट, वेस्ट का नाप हो गया. और उसके बाद आपके हिप्स, जहाँ से आपकी चाक स्टार्ट हो रही है वो जगह आपने नापनी है, जगह आपने नापनी है. और अगर आपकी चाक्स जो है वो नीचे है तो आप जो है वो आपके जितना भी वेस्ट है उससे जो है वो चेस्ट के नाप से उतना ही नीचे आओगे. यानी जितना आपका चेस्ट वेस्ट का नाप है दरमियान का, वही नाप आप नीचे लेकर आओगे इसी तरफ, ठीक है. क्योंकि सम टाइम हमारी चाक्स जो होती हैं वो बहुत नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है. इसके बाद आपके गले की जो ये ब्रॉडनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपने नापनी है ये जगह. और इसके बाद आपके गले का फ्रंट, गला फ्रंट जो है वो आपके आपका कितना डीप है वो आपने देखना है. इसके बाद आपके बाजू का जो लंबाई है, बाजू की लंबाई चाहिए आपको. इसके बाद आपका आर्म होल, दिस इज योर आर्म होल, ये आपका आर्म होल है. इसके फौरन बाद आपकी बीजी आती है जो आपकी आर्म की गोलाई होती है, वो लेनी है आपने. उसके बाद आपका एल्बो, एल्बो इज मिडल पॉइंट ऑफ योर स्लीव, आपकी स्लीव्स का मिडल पॉइंट. उसके बाद आपकी स्लीव्स की ओपनिंग आगे से कितनी है. और इसके बाद आपकी चॉक्स चाहिए आपको, स्लिट्स चाहिए, तो वो आपकी गले की एक साइड से शुरू होकर जो सिलाई है आपकी कॉर्नर ये है, यहाँ से आप शुरू करके यहाँ पर आओगे जहाँ तक आपकी चॉक्स हैं, ओके ये. और इसके बाद जो है वो आपका पीछे के गले की डीपनेस आपने देखनी है, वो दरमियान से आप देखोगे. दैट थिंग यू कैन नॉट टेक इट लाइक दिस, ये चीज़ आपके दरमियान में से आएगी. आप ये देखोगे दोनों सिलाइयाँ आके यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप यहाँ से जो है वो इसको देखोगे कितना डीप है ये नीचे, ओके ये हो गया. इसके बाद जो है वो आपने अपने कपड़े को तैयार करना है. सबसे पहले आप उसको रात को, या तो मैक्सिमम है कि रात को सोक करो और सुबह उसको नचोड़ के सुखाओ, और या फिर ये है कि आप उसको कम से कम जो है वो आधे घंटे के लिए उसको भीगना चाहिए पानी के अंदर. कॉटन को हम भिगोते हैं, हम सिल्क को ज़रूरत नहीं है सोक करने की. उसके बाद जो है आपने उसको स्ट्रेच कर, उसको जो है स्प्रे करना है पूरे कपड़े को. आप इसको मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसको पूरे कपड़े को आप स्प्रे करोगे, पूरे कपड़े को आप, जब सूख जाएगा कपड़ा आपका उसको आप स्प्रे करोगे. स्प्रे करके पूरे कपड़े को आपने इस तरह स्प्रे करते जाना है, इस तरह आपने सामने फैलाते जाना है और स्प्रे करते जाना है ऐसे, ठीक है. स्प्रे करके आपने उसको स्ट्रेच करना है, जो आपके लॉन का सूट होता है यूँ, उसको आप दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे करके खींचोगे ताकि ये कपड़ा खुल जाए, ये अपनी जगह पे वापस आ जाए, ठीक है. जिस शेप में, यानी ये थान में था, ये उसी में वापस आ जाए अपने शेप में. ये करना ज़रूरी होता है, वरना अदरवाइज पूरा सूट सीने के बाद जब आप उसको पहली वॉश करते हो तो वो कपड़ा सूख जाता है. ओके, इसके बाद जो है वो आपने इसको प्रेस कर लेना है, जो आपने स्ट्रेच किया है कपड़ा उसको आप प्रेस कर लोगे पूरा. प्रेस करके अब वो कपड़ा तैयार है आपके कटिंग के लिए. सबसे पहले आपकी कमीज़ की कटिंग आती है. कमीज़ की कटिंग में मैं आपको जो है आज ग्राफ बनाना बताऊंगी इस पर, कि कैसे आप ग्राफ बनाओगे कमीज़ का. सबसे पहले आप कमीज़ को जो है वो उल्टी तरफ कर लो कमीज़ की. अच्छा,
कमीज़ को हमने, एक तो ये है कि आपने, मैं आज आपको स्ट्रेट शर्ट्स बताऊंगी कैसे स्ट्रेट शर्ट का करोगे आप सिंपल शर्ट। इसके अंदर जो है ये है कि आप इसको सबसे पहले अपने सामने, आप कपड़े का जो गले की साइड है उसको अपनी राइट साइड पे रखोगे, राइट साइड पे, और शर्ट का जो फोल्डेड पार्ट है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसके, आजकल डिज़ाइन वाले गले आते हैं तो आप उनको अपनी तरफ जो है वो, उसको जो है वो आप कंधे से कंधा मिला लें। आपने ये जगह देखो, ये डिज़ाइन आपस में दोनों टच करने चाहिए, ये नहीं है कि ये गला एक यूँ जा रहा है, ये गलत होगा करना। इसको आप वापस, इसको, इनको दोनों को आपस में एजेस इनके मिलने चाहिए आपस में, ठीक है। इसको आपने पूरा फोल्ड कर लेना है, जो इसका यहाँ पे मिडिल पॉइंट है ये मिले, और अगर इसका कोई दामन है नीचे तो उसको भी आपस में मिलना चाहिए। उसके बाद आप ये देख लो कि क्या जो आप लंबाई लेना चाहते हो, आजकल लंबी कमीजें चल रही हैं, तो जो आप कमीज़ लंबी लेना चाह रहे हो क्या वो दूसरा पार्ट भी निकलेगा, ऐसा ना हो कि आप अपना फ्रंट जो है वो पूरा निकाल लो लेंथ वाइज और आपका बैक जो है वो छोटा हो जाए। तो बेहतर है कि आप पहले उसको एक दफ़ा चेक कर लो कि वो आया जो है वो। इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा नीचे कर ताकि आपको नजर आए क्लियरली, ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमारी शोल्डर की मेजरमेंट आपको सबसे पहले, अच्छा आपने सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। इसकी टोटल लेंथ मुझे चाहिए 47, वट एवर आपकी जो भी टोटल लेंथ है उसमें 0.5 इंच आप ऊपर से रखोगे यहाँ से, यहाँ से 0.5 इंच आप यहाँ से छोड़ोगे सिलाई का। उसके बाद आप जितनी भी आपने टोटल लेंथ रखनी है उतनी रख कर आप उसमें प्लस 1 इंच करोगे सिलाई का, ठीक है। उसको आप दो स्ट्रेट लाइनें नीचे लगा लो, जो आपने अपनी टोटल लेंथ रखी है वो आप स्ट्रेट लाइनें दो लगा लो ताकि वो दोनों क्लियर हो जाए कि भाई ये हमारी यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने अपना शोल्डर लेना है, शोल्डर का हाफ करोगे, शोल्डर इज 13 का हाफ विल बी 6.5 पे आप निशान लगाओगे यहाँ पर, और उसके बाद आपने जहाँ भी निशान लगाया है ये वहाँ पर आप 1 इंच नीचे आओगे, ठीक है। ये जो ये वाला निशान है, ओके, जहाँ पे 6.5 का आपने निशान लगाया है वहाँ आप नीचे आओगे, शोल्डर का हाफ लिया, हाफ लेकर 1 इंच आप नीचे आए। इसके बाद आपने ये जो 0.5 था, 0.5 से नहीं निशान लगाना आपने, उसके ऊपर से जो ज़ीरो है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आपने लाइन लगानी है, इसको मिला देना है दोनों लाइनों को, ठीक है। उसके बाद 0.5 इंच आप यहाँ पे निशान लगाओगे जो आपकी सिलाई का होगा, जो आप इसी को आगे टैली कर रहे हो, क्या आप चाहो तो आप इसको डबल लाइन लगा लो ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे आना है 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच आप नीचे आए उसके बाद आपने चेस्ट लाइन लगानी है अपनी, ओके। सबसे पहले आप ये लाइनें लगा लो, अपने बॉक्स बना लो, जो इसको हम कहते हैं डिवाइड करना तीन पोर्शंस में, एक हो गया आपका चेस्ट पार्ट, दूसरा है आपका वेस्ट। अच्छा, आपकी जितना भी आपका शोल्डर होगा, शोल्डर का हाफ होगा, उतना ही आपका नीचे बगल होगी आपकी, या पॉइंट होगा, ये चेस्ट लाइन होगी आपकी, ठीक है। चेस्ट लाइन कट, यानी दोबारा से 6.5 आपका वेस्ट लाइन होगा, दोबारा से 6.5 आपका हिप लाइन होगी। तो इसको आप कहोगे 6.5 वट एवर इज़ योर शोल्डर। अल्लाह ताला ने हम सबको एक बैलेंस पे बनाया है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारी जो ऊपर का शोल्डर होता है वही उस, यानी उसका हाफ जो है उस पर हमारी चेस्ट होती है,
और पैरेलल उसी में जो है वो फिर आप नीचे की तरफ आते हो। तो यहाँ मैंने चेस्ट लाइन लगाई 6.5 पे, तो अब 13 पे होगी मेरी वेस्ट लाइन, और दोबारा से 6.5 जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो मेरा वेस्ट हिप लाइन हो जाएगी इसी में। इसके बाद ये तीनों लाइनें मैं इनको स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी ताकि ये मेरे सामने मोर विजिबल हो जाए। ये मेरे 3 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। दिस इज माय चेस्ट लाइन, दिस इज माय वेस्ट लाइन, दिस इज माय हिप लाइन, ओके। अब ये तीनों लाइन आपके पास बनी, सबसे पहले आपने शोल्डर बनाया 1 इंच नीचे आए उस पर, और उसके बाद 0.5 इंच आपने ऐड किया सिलाई का, उसके बाद आपने 6.5 लिया नीचे, उसके बाद 6.5 आपने लिया वेस्ट के लिए, फिर दोबारा 6.5 आपने लिया अपनी हिप के लिए। जैसे अगर किसी का 16 है तो उसका हाफ होगा 8 इंचेस, 8 इंच पे उसकी चेस्ट लाइन होगी, 16 पे उसकी वेस्ट लाइन होगी, और 24 पे होगी उसकी हिप लाइन, ठीक है। अब ये ले लिया आपने, इसके बाद अब आपने चेस्ट बनाना है, चेस्ट का जे कटिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने दोबारा से चेस्ट लाइन के ऊपर आप 6.5 इंच पे इस पर मेजर करोगे, और उसके बाद आपने उसको अंदर की तरफ इस शोल्डर की तरफ से, नॉट फ्रॉम योर सेंटर पॉइंट जो कमीज़ का गला है उधर से नहीं करना, जो आपकी शोल्डर वाली जगह है वहाँ से आपने माइनस करना है 1 इंच, उस पर आपने निशान लगाना है। निशान लगा के जो आपका ऊपर वाला शोल्डर की जो आपने 1 इंच का निशान लगाया था नीचे, उन दोनों लाइनों को आप आपस में मिला दोगे। दोनों लाइनों को आपस में मिलाकर ये जो आपका इधर यहाँ पर एक ये कोना यहाँ पे कॉर्नर सा बना है, इसको आप 1 इंच, क्योंकि आपने 1 इंच माइनस कर दिया है, आपकी जो चेस्ट है उस पे से 1 इंच माइनस हो गया है, तो ये तंग हो जाएगा आपको ये जगह, तो आप उसको 1 इंच ऐड करोगे, लेकिन टिल्ट उसमें चेस्ट लाइन के ऊपर नहीं, बल्कि चेस्ट लाइन और आपकी जो शोल्डर की जॉइनिंग लाइन है उन दोनों के दरमियान में से आप ऐड करोगे उसको, फिर आप इसके साथ मिला दो। जो आपका ये कॉर्नर है उसको ला के आप इस 1 इंच जो आपने आगे बढ़ाया है उसके साथ मिला दो। अब इन दोनों को आपने शेप में गोल मिलाना है, इधर से और ये इधर से, ठीक है, समझ में आया। इसको 6.5 आपने चेस्ट पे लेना है, चेस्ट पे लेकर आपने माइनस करना है 1 इंच अपने शोल्डर की तरफ से, जो आपका जे कटेगा ना वहाँ से आप 1 इंच माइनस करोगे और निशान लगाओगे। इसके बाद आपने जो आपकी ऊपर वाली शोल्डर की लाइन है उसको आप चेस्ट लाइन पे लाकर मिला दोगे। मिलाने के बाद चूंकि ये 1 इंच इसमें से माइनस हो गया है तो ये तंग हो जाएगी जगह, इसको हम वापस ऐड करेंगे, लेकिन इसको ऐड हम थोड़ा सा टिल्ट करके करेंगे। मेरा मतलब है इन दोनों लाइनों के दरमियान में से ये ऐड होगी। 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाओगे और उसके बाद इसको आप ज्वाइन कर दोगे चेस्ट लाइन के साथ, और ऊपर की जो शोल्डर की आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, जॉइनिंग लाइन है इनको। इसके बाद आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है वो आप उस पर निशान लगाओगे 1/4 पे, क्योंकि कमीज़ इस वक्त आपके सामने 1/4 है, तो आपने अपने नाप का भी जो है वो 1/4 ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब 18 है, 36 है मेरा चेस्ट का नाप, तो उसका हाफ 18 होगा और 1/4 9 होगा, तो मैं उसको 9 पे निशान लगा लूँ। इसी तरह से मेरी वेस्ट जो है वो 32 है, तो मैं 32 का हाफ जो है 16 होगा और 16 का 8 होगा, सॉरी 8 पे आप निशान लगाओगे। इसी तरह से मेरी हिप है, हिप 21 है, 21 का हाफ जो है वो होगा 42 है, सॉरी हिप टोटल जो है वो उसका हाफ है 21 और उसका 1/4 है 10.5, तो मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैंने जो मेरा ये वाला गोल वाला फुट्टा है, ये जो मेरा ये थोड़ा सा आगे से इसका ये शेप बना होता है, ये वाला फुट्टा मैं जो लूँगी और इसके बाद मैं इसको यहाँ से जो ये वाली शेप वाली जगह है, पता नहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि नहीं, ये मैं इसको रखती हूँ आपके सामने, ये देखो ये ऐसे है, ये बीच में से थोड़ा सा इसका यूँ टिल्ट है, ओके, इसका थोड़ा सा पेट सा यूँ निकला हुआ है। इसको आपने ऐसे करके जो आपकी ये जो निकली हुई साइड है बाहर की तरफ, उस तरफ से आपने इसको शोल्डर की तरफ मोटी साइड रखनी है, जो इस
फुट्टे की जो मोटी वाली साइड है उधर से आप नीचे तक इसको मिलाओगे वेस्ट पे, और फिर दोबारा इसको उल्टा करोगे, यही साइड दोबारा यूं आएगी इस तरफ, ठीक है। ये ऐसे नहीं लेना, नहीं तो आपकी कमर जो है वो फिर यहाँ से टाइट हो जाएगी, सॉरी हिप टाइट हो जाएगा। इसको आपने ऐसे ही लेना है गोल वाली जगह से, ठीक है, गोल वाली जगह से लिया। इसके बाद हमारा जो स्ट्रेट शर्ट होती है वो प्लस होती है 1 इंच दामन में, यानी जो भी आपका हिप का नाप है उसमें 1/4 में आप प्लस कर दोगे 1 इंच। तो मेरा 10.5 था, जब मैं इसमें प्लस 1 इंच करती हूँ तो वो हो जाता है 11.5। मैं 11.5 पे निशान लगाऊंगी यहाँ से, पे मैंने निशान लगाया। और इसके बाद मैं इसको अपनी शेप वाली साइड जो है फुट्टे की, जो ये वाली साइड है शेप वाली, अभी मैंने ये साइड यूज़ की थी। अच्छा, ये अगर कोई हेल्दी बंदा हो तो आप उसका ये साइड लेते हो, और अगर बच्चे हैं जिस तरह से या कमज़ोर लड़कियां हैं तो वो आप अपनी फिर ये जो शेप वाली साइड है वो यूज़ करोगे, ठीक है। ये शेप वाली साइड है, इसको आप यूज़, ये साइड हमारी यूज़ होती है जब हमने ए लाइन शर्ट्स बनानी होती है या हमने जब किसी चीज़ को फिटिंग देनी होती है, जैसे स्लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो आपने जो नीचे निशान लगाया है, एक मिनट, अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने जो आपने नीचे ये निशान लगाया है 11.5 पे, इसको आप हल्का हल्का सा ऊपर लाना शुरू करोगे, हल्का हल्का सा ऊपर लेकर आओगे, और ऊपर लेकर आकर आपने इसको ये जो आपकी हिप का शेप है उसके साथ आपने ला के इसको यूँ मिलाना है, ठीक है, ये इसके साथ यूँ मिल गया। अब इसके बाद आपने इस पर सिलाई का हक देना है। सिलाई का हक जो है वो हम यहाँ पे जो गोल जगह होती है उसको हम कभी भी 0.5 इंच से ज़्यादा नहीं देते सिलाई का, ठीक है। इसको आप निशान लगाओगे 0.5 इंच का, इसको लाके जो आपने ऊपर छोड़ा हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर मिला देंगे। उसके बाद ये जगह आपकी कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप यूँ कर दिया। इसके बाद जो आपकी जो चाक्स हैं, स्लिट्स हैं, उसको 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखो, क्योंकि उसकी आपको फिर बाद में भी कटिंग करनी पड़ती है। इसको आप 1 इंच ही फिर जो है वो नीचे लेकर आओगे। अब इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप नीचे हो फ्रॉम माय हिप्स, ठीक। तो मैंने इसको इसीलिए 1 इंच नीचे से बढ़ाया है ताकि थोड़ी सी नीचे से यानी दामन जो है वो थोड़ा सा खुला हो, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसके बाद हम इसकी बैक साइड को करेंगे, ठीक। बैक साइड के लिए आप उसी नाप को, इसी को दोबारा से लोगे अपने सामने, कोशिश करो कि जो उसका स्टार्टिंग जो जगह है वहां से आप लो, ताकि आपको आपके सामने हो, ठीक है।
इस तरह से अपने सामने सारा जो है इसको फोल्डिंग साइड आपकी तरफ हो, राइट हैंड पे आपकी कटिंग हो, ताकि आपकी कैंची जो है वो आपकी राइट हैंड में हो। इसको प्रेस कर लो। इसके बाद कि अब आपने इसको जो भी आपका जो आपने फ्रंट बनाया था, बहुत आसान है बैक साइड काटना, जो आपने फ्रंट बनाया था उसको आप इसके ऊपर रखोगे ऐसे करके, पूरा आपने इसको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, मिलाकर आपने इसके अंदर जब मैं गोल्डन कलर की पाइपिंग दूंगी आस्ती उस पर नीचे दामन पे, तो ये बहुत प्यारा रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने सिंपल इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो आपकी शोल्डर की जो ये जहाँ से आपने 1 इंच माइनस किया था, जो ये आपकी टिल्ट सी लकीर आ रही है, इसी को आप 1 इंच आगे ऐड कर लोगे, क्योंकि हमारा बैक जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, हमारी हड्डी चौड़ी होती है फ्रंट से। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो इसके साथ मिला दो, इसको ऊपर जाके आपने मिलाना है। ओके, इसको आपने यहाँ नहीं मिलाना है, ये चीज़ यूँ नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है, और इसको आपने जो आपने ये जो आपका फिटिंग की लाइन है इसके साथ आप मिला दो, बाकी सब वही रहेगा और कुछ नहीं आप इसमें करना। बस अब आप इसकी कटिंग कर लो। अगर आप चाहते हो कि दोबारा आपको निशान नहीं लगाने पड़े, तो आप इसमें फिटिंग के निशान दे दो अपने, जो भी आपके फिटिंग के निशान हैं, जो भी आपकी लाइन्स हैं, ताकि आपको दोबारा से फिटिंग ना करनी पड़े। और इसकी बस अब आप कटिंग कर लो। ये हो गया। अब आप इसको लपेट के साइड पे कर दो। जो आपने चाहो तो ये जो आपने फिटिंग के निशान लगाए हैं उनको आप कंप्लीट कर लो, इसको आप कंप्लीट कर लो। जो आपका गोल वाली जो ये जगह है फुटे की, जो ये वाली जगह है, इससे आपने निशान लगाने हैं जैसे आपने फ्रंट में किया था। ठीक है, अब बस अब आप इसको फोल्ड करके रख दो। That's all. Finish. Straight shirt is done. Okay. इसके बाद आपके स्लीव्स आ जाते हैं। स्लीव्स के अंदर आपने सबसे पहले स्लीव्स को अलग कर लो इसमें से, कि भाई ये आपके स्लीव्स होंगे। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लो, आपके जो भी फ्लावर है या जो भी आजकल तो जो आते हैं सूट्स आते हैं उनके अंदर अलहदा से जो है वो पूरा वो दिया होता है।
उसके बाद ये दूसरा स्लीव, इसको भी आप ऐसे कर लो। इसके बाद मैंने अपनी स्लीव की टोटल लेंथ लेनी है। मेरी स्लीव की टोटल लेंथ कितनी है? 20। तो 20 में मैंने यहाँ पे, यहाँ से 1 इंच का वो रखूँगी सिलाई का, वो हाँ सिलाई का मार्जिन, और फिर इसके बाद मैं इसको मेजर करूँगी। ठीक है, इसको आप यहाँ निशान लगाओगे भी, इसको यहाँ निशान लगा के आपने 0.5 इंच फिर यहाँ पे ऐड करना है सिलाई का। यहाँ पे जो मुंह है स्लीव का वो 1 इंच हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे आपका शोल्डर कटेगा वो 0.5 इंच होगा। 0.5 इंच लेने के बाद अगर कोई हेल्दी लड़की है तो आप उसका 4 इंच लोगे, और अगर कोई स्लिम स्मार्ट लड़की है तो आप उसका फिर 3.5 लोगे। अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ का नाप है। जैसे ये हमारी स्लीव का जैसे ये कट होता है, ठीक है, ऐसे करके हमारी स्लीव कटती है, ऐसे करके जो स्लीव कटती है, तो ये जो नाप मैं आपको अभी बता रही हूँ वो इधर से लेके इस चीज़ का है। ठीक है, ये जगह है आपकी, जो ये जो कट की शेप आएगी वो कहाँ से आएगी। ठीक है, 3.5 होगी अगर दुबली पतली लड़की है, और 4 इंच होगी अगर कोई हेल्दी लड़की है जिसकी ये जगह हमें ज़्यादा चाहिए होगी, जिसका कंधा जो है वो 15 इंच, 16 इंच या इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, 14 इंच, 14.5 से जिसका भी ज़्यादा होगा शोल्डर, उसके लिए आप 4 इंच लोगे। ये चीज़ ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए एक जैसी होती है, ये नहीं है कि किसी के लिए कम और ज़्यादा होगी। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आपका शोल्डर 14.5 से ज़्यादा है तो फिर आप 4 इंच लोगे इस लाइन को। ठीक है, अब मेरे लिए, मैं अपने लिए 3.5 लूँगी, लेकर मैंने इसको नीचे लकीर को बढ़ा लेना है, नीचे तक लेकर आना है पूरा। ठीक है, बढ़ा कर इसके बाद जो है वो बढ़ा के, अब इसके बाद जो है मैंने इसको मेरा आर्म होल जितना भी है, आर्म होल को मैं गोल करके इंची टेप को हल्का सा ऐसे शेप में लाकर, जैसे हमारा स्लीव की कटिंग होती है, यहाँ से पॉइंट से जो मैंने 20 का निशान लगाया था उसका, उससे लेकर मैं इसको 8.5 पे, मेरी 17 है तो मैं इसको 8.5 पे इसको निशान लगाऊंगी। यहाँ पर लकीर, ये जहाँ भी इस लकीर के ऊपर फॉल कर रहा है, ऐसे सीधा करके नहीं करना, मैंने सीधा करके नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसको यूँ टिल्ट करके करना है, क्योंकि शेप मेरा टिल्ट में ही आएगा, ऐसे गोल ही आएगा शेप में स्लीव के। इसके बाद क्योंकि आपके लिए अभी ये शेप बनाना मुश्किल है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट से, ये जो आपने लगाई है लकीर यहाँ पर उसकी टोटल लेंथ की, वहाँ पे आप इसको मिला दो दोनों को, इन दोनों को मिलाकर इसका रेंडमली आप दरमियान से हाफ़ कर दो। दरमियान से हाफ़ करने के बाद आप इसको 0.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाओ, इसको जो है फिर आप इसके साथ मिला दो ऐसे, और ये चीज़ आप ला के फिर ऐसे मिला दो इसके साथ, तो ये देखो आपका शेप बन जाएगा ठीक उसमें। ठीक है, इसको शेप दे दो फिर थोड़ा सा, ये आपका स्लीव हो गया। इसके बाद आपकी जो बाजू की गोलाई है, जो मैंने आपको बताया था आपकी बगल से थोड़ी सी ऊंची होती है, उस पर आप निशान लगाओगे, उसका हाफ लोगे। उसके बाद आपकी जो है एल्बो है उसका निशान लगाओगे, मेरा 6 है एल्बो का, और उसके बाद आपकी स्लीव की आगे से ओपनिंग है जो मेरी है 4.5 पे हाफ निशान लगाएंगे। उसके बाद आपने, अब अगर कोई हेल्दी लड़की है तो आप उसकी ये वाली साइड यूज़ करो, जो फुट्टा है आपका थोड़ा सा शेप में लेकर आओ गोलाई में, और अगर कोई दुबली पतली लड़की है तो फिर आप उसकी ये वाली साइड, अंदर वाली साइड।